हमार तो कछु समझ में नहीं आ रहा भैया, जे का पागलपन है, अजीब शौक है, जो इतनी दूर से जानवरन की तस्वीर खींचन लाई। माधवगढ़ से रणथंभौर आई है। माधवगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट की बेटी का सर का कछु हल्को है। माधवगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट की बेटी? अंजला जी। नो अंजला, नेम गुड। थैंक यू। यू गुड। थैंक यू। बट दिस जंगल इज नो गुड, नो बर्ड्स, नो डियर। हियर। सॉरी, हियर। टाइगर, डू समथिंग। मैडम जी, वी नॉट डू व्हाटएवर डू अब, टाइगर डू मैडम। अरे वीरे बस कर, वो तो कब से बेहोश हो गई है, मैं सच में मार देगा क्या? मेरी सब मुझ पे भारी पड़ गई। शट अप। नहीं थी ना अपनी चिट्ठी, क्यों समझती हैं आप मेरे मन को इतना? क्यों? जिसे समझना था वो तो माधवगढ़ खतरे में है। वो चिट्ठी हमें वापस कर दीजिए। लेकिन वो चिट्ठी तो हमने वीर को। क्या? आदरणीय पिताश्री, हमसे एक अपराध हुआ है। कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह ही वीर है। हमने आपसे यह सच्चाई छुपाई क्योंकि हमारे दिल में जो उनके लिए जज्बात है वो हम तुम्हारी इरादों को समझ गए हैं। पिंडारी का हाथ हाथ नहीं लोहा होता है। आप थक जाएंगी राजकुमारी साहिबा। आपने तो हमारी कलाई पर घड़ी बना दी, अब तो अच्छा वक्त आना निश्चित है। प्यार है या साजिश, हम क्या समझे, क्या करें? कंगन भेजे दद्दा ने अपनी बहू के लिए। एक बात बताएं वीर, अगर आपको हम में और आपके दद्दा में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? सच्चाई को। पिता अगर सच्चा हो, अच्छा हो, तो हर कोई साथ देता है। लेकिन अगर पिता गलत हो तो औलाद क्या करे, उन्हें छोड़ दें? ना छोड़ें, ना साथ दें, सही रास्ते पर ले आएं। क्या रास्ता दिखाएं? वो लोग अपना राजधर्म ना निभाएं, पूर्वजों से मिले राजवंश को आगे ना बढ़ाएं? 4,500 पिंडारियों को धोखा दे के मारना धर्म निभाना है। माधवगढ़ को फिरंगियों का गुलाम बनाना आगे बढ़ाना है। युवरागी जी, खतरा आपके राज्य को पिंडारियों से नहीं बल्कि आपके अपने पिता से है। अगर उस वक्त आपके पिता ने वचन निभाया होता तो आज ये वक्त नहीं आता। आपने राज्य की भलाई की जो शपथ ली है उसमें मैं आपका साथ दूंगा।
सुबह देता हूं, आपकी सेनाएं महफूज रहेंगी। पिंडारियों की तरफ से तब तक वार नहीं होगा जब तक आपकी तरफ से पहल नहीं होती। ये कंगन अब मैं तभी पहनाऊंगा जब आप में सच कहने की हिम्मत आ जाएगी। पूरी दुनिया के सामने आप मुझे वीर कह के पुकारेंगी, फिर मुलाकात।